हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ओरियो पुडिंग की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्किट और क्रीम को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से अलग कर लेना है। हमारा बिस्किट और क्रीम अलग हो चुका है, अब इसे साइड में रख देंगे। एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ मैं, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके इसका एक घोल तैयार करना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। ये देखिए, हमें इस तरह से रेडी करना है। कोई भी आप एक बर्तन लें, उसमें 1 ग्लास दूध को डाल के हमें बॉईल करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर वाले जो मिश्रण है उसे डाल दूंगी, और उसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे पैन में बैठ जाएगा। साथ ही साथ चीनी भी ऐड कर दें। मैं 3 टीस्पून चीनी ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसे तब तक हमें पकाना है जब तक ये जेली का फॉर्म में ना आ जाए। हमारा मिश्रण रेडी है। मैं इसमें 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डाल के मिक्स कर ले और ठंडा होने के लिए छोड़ दे। फ्रेंड्स, जो बिस्किट हमने अलग किया था उसे हमें पाउडर बनाना है। मिक्सी का जार में रफली तोड़ करके उसके बाद हमें पीस लेना है। ये देखिए, हमें इस तरह का पाउडर चाहिए। उसके बाद एक बाउल में निकाल लें, और जो क्रीम हमने बिस्किट वाला अलग किया था उसे हमें फेंटना है। थोड़ा सा दूध डाल के फेंटे, अच्छे से फेंट जाएगा ये। ये देखिए, हमारा क्रीम जो है रेडी है, और कॉर्नफ्लावर वाले मिश्रण भी रेडी है, ठंडा हो चुका है ये। हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। इस तरह का छोटा छोटा आप कोई भी ग्लास ले सकते हो। उसके बाद सबसे पहले जो पाउडर है, बिस्किट का पाउडर, उसे हमें डालना है। इसे सेट कर लें थोड़ा थोड़ा स्पून की सहायता से। इसके बाद जेली को डालें। पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ, उसके बाद जेली को डालूँगी। इसी तरह से हमें सारे ग्लास में डाल लेना है। वापस से फिर बिस्किट डालें। उसके बाद फिर से वापस सॉस और जेली डालें। इसी तरह से हमें ऊपर तक ग्लास को फुल करना है। सबसे ऊपर में मैं जो क्रीम निकाली थी, फेटी थी बिस्किट वाला, उसे हमें डालना है और जेली डालना है। फ्रेंड्स, इसे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत पसंद आता है बच्चों को। हमारा ग्लास जो है फुल हो चुका है। सबसे लास्ट में मैं थोड़ा सा
चॉकलेट सॉस डालूंगी ऊपर से। ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, जितना सुंदर लग रहा है देखने में उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है ये। अब इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में रख दे, ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है खाने में। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसे लगती है आप लोगों को, आप ज़रूर से इसे बताइएगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी।